आगे बढ़ते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इको विलेज 2 सोसाइटी में दूषित पानी पीने से 200 से ज्यादा लोग बीमार पड़े हैं। कई महिला समेत बच्चे भी अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से ज्यादातर को वोमिटिंग की समस्या हो रही है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि 2 दिन पहले केमिकल से पानी की टंकी साफ करवाई थी। पानी की टंकी में केमिकल रह गया था, जिसके कारण ये पूरा मामला हुआ है। अब लोग बाहर से पानी मंगवा कर पी रहे हैं और यहाँ रह रहे लोगों का कहना है कि उन्हें मेडिकल मदद चाहिए। तो देखिए, ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा वेस्ट से है, जहाँ पर ये जो सोसाइटी है इको विलेज 2, वहाँ दूषित पानी पीने से 200 से ज़्यादा लोग बीमार हुए हैं। तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इको विलेज 2 सोसाइटी में यहाँ पर दूषित पानी पीने से 200 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं।